साथियों, आज हम इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। इस वर्ष हमारे संविधान को 70 वर्ष हो रहे हैं। हमारे संविधान ने साइंटिफिक पर को विकसित किए जाने की हर देशवासी के कर्तव्य से जोड़ा है, यानी ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी का हिस्सा है। इस ड्यूटी को निभाने की, निरंतर याद करने की, अपनी आने वाली पीढ़ियों को इसके लिए जागरूक करने की हम सभी की जिम्मेदारी है। जिस समाज में साइंटिफिक टेंपर की ताकत बढ़ती है, उसका विकास भी उतनी ही तेजी से होता है। साइंटिफिक टेंपर अंधश्रद्धा को मिटाता है, अंधविश्वास को कम करता है। साइंटिफिक टेंपर समाज में क्रियाशीलता को बढ़ाता है। साइंटिफिक टेंपर प्रयोगशीलता को प्रोत्साहित करता है। हर चीज में रीजनिंग खोजता है, तर्क और तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाने की समझ पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात, ये फियर ऑफ अननोन को चुनौती देने की शक्ति देता है। अनादिकाल से इस फियर ऑफ अननोन को चुनौती देने की शक्ति ने ही अनेक नए तथ्यों को सामने लाने में मदद की है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश में आज साइंटिफिक टेंपर एक अलग स्तर पर है। मैं आपको हाल ही का एक उदाहरण देता हूं। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 पर बहुत मेहनत की थी और इसे बहुत उम्मीदें पैदा हुई थी। सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ, फिर भी यह मिशन सफल था। साथियों, मिशन से भी बढ़कर ये भारत के वैज्ञानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने सोशल मीडिया पर अनेक स्टूडेंट्स, उनके माता पिता के बहुत सारे ट्वीट देखे। वो बता रहे थे कि उन्होंने अपने बहुत कम उम्र के बच्चों को भी चंद्रयान से जुड़ी घटनाओं पर चर्चा करते हुए पाया। कोई लूनर टोपोग्राफी के बारे में बात कर रहा था, तो कुछ सैटेलाइट ट्रेजेक्टरी की चर्चा कर रहे थे, कोई चांद के साउथ पोल में पानी की संभावनाओं पर सवाल पूछ रहा था, तो कोई लूनर ऑर्बिट की बात कर रहा था। माता पिता भी हैरान थे कि इतनी कम उम्र में इन बच्चों में ये मोटिवेशन आया कहां से। देश के इन तमाम माता पिता को लगता है कि उनके बच्चों में आ रही ये क्यूरियोसिटी भी चंद्रयान 2 की सफलता ही है। ऐसा लगता है कि साइंस को लेकर हमारे यंग स्टूडेंट्स में रुचि की एक नई लहर पैदा हुई है। इस शक्ति को, इस एनर्जी को 21वीं सदी के साइंटिफिक एनवायरनमेंट में सही दिशा में ले जाना, सही प्लेटफॉर्म देना हम सबका दायित्व है।